क्या पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान न्यूट्रल मुकाम पर सीरीज हो सकती है? दोनों बड़ी टीमों के दरमियान टाकरा कराने के लिए कौन सा मुल्क सरगर्म हो गया? मोहसिन नकवी की जानिब से रोहित शर्मा को जवाब देने के बाद क्रिकेट के मतवाले क्या सोच रहे हैं? ये तमाम अहम खबरें आपको देंगे इस रिपोर्ट में। बरतानिया ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज की मेजबानी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। बरतानिया मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में दो तरफा टेस्ट सीरीज की बहाली में इंग्लैंड मुतवक्के न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। भारतीय हुकूमत ने तहाल पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज की इजाजत नहीं दी। अलबत्ता दोनों हुकूमतों की जानिब से न्यूट्रल वेन्यू पर राजी होने की सूरत में लॉर्ड्स और दी ऑल टेस्ट मैच की मेजबानी का ख्वाहिशमंद है। चीफ एग्जीक्यूटिव वर्कशायर स्टेट केन ने कहा है कि हम पाक भारत टेस्ट सीरीज प्रपोजल को भरपूर सपोर्ट करेंगे। ये सीरीज पूरे रीजन और वेस्ट मेडलैंड में रहने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन फैंस के लिए शानदार होगी। गुज़श्ता दिनों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन से एक पॉडकास्ट में पाक भारत टेस्ट सीरीज की ख्वाहिश का इजहार किया था। रोहित शर्मा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता सीरीज के हक में हूँ। पाकिस्तान एक जबरदस्त टीम है और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। भारतीय कप्तान का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस शानदार होंगे। दोनों टीमों के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा और खास तौर पर अगर ये बाहर की कंडीशन में हो। जिस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जवाब में कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम बहुत मसरूफ है, पहले भारतीय टीम इवेंट में पाकिस्तान आए फिर कोई ऑप्शन देखेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने रोहित शर्मा के बयान को सराहा और कहा है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए दोनों ममालिक के तालुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी टीम को भारत जाना चाहिए, इससे तालुकात बेहतर होंगे क्योंकि भारत पड़ोसी है और पड़ोसी से तालुकात बेहतर रखने चाहिए। पाकिस्तान और भारत क्रिकेट टीमों के दरमियान आखिरी बार दो तरफा टेस्ट सीरीज 2007 में खेली गई थी।